Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our poem What If, and this poem is taken from your class 6 Honeysuckle book. Clear? So hurry up, open your books, Honeysuckle, page number 121, that is 121. एंड स्टूडेंट्स, इस पोयम का नेम है व्हाट इफ। जैसे कि इसकी नेम से ही पता लग रहा है आपको, व्हाट इफ, यदि क्या, मींस ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा हो गया तो क्या। क्लियर? व्हाट इफ, ठीक है। तो इस पोयम का नेम भी इसीलिए व्हाट इफ रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है हमारे माइंड में जब हमें कई बार डर लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये पोयम जो है उसी उन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज रिटन बाय शेर सिल्वर स्टेन। क्लियर? शेर सिल्वर स्टेन ने ये पोयम लिखी है। व्हाट इफ, आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कई बार कि जब हमारा माइंड यानी कि हमारा दिमाग किससे फिल हो जाता है, बिल्कुल फियर यानी कि डर से कंप्लीटली भर जाता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी। कि कभी आपने सोचा है क्या होगा, मान लो कोई डेंजरस सी चीज, कोई खतरनाक सी चीज आपके साथ हो जाए, ठीक है, या फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे वो नेबर्स है, फैमिली है, उनके साथ हो जाए तो ओके। व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग और अराउंड द अर्थ, क्या होगा, मान लो अर्थ सन के चारों तरफ घूमना बंद कर दे। अर्थ घूमती है ना सन के चारों तरफ, अगर वो उसके घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है। What if the sun does not rise in the morning? क्या होगा, डेली आप सुबह उठते हो, देखते हो कि सूरज निकलता है मॉर्निंग में, ठीक है, जो दिन का टाइम होता है, मान लो किसी दिन सूरज ही ना निकले तो क्या होगा, क्या ये सब चीजें आपने कभी सोची हैं या फिर कभी आपके माइंड में आई हैं, ठीक है। Here is a poem which talks about some more such what ifs. ये पोयम है जो ऐसे ही कुछ और व्हाट इफ्स के बारे में बात करेंगे अब। लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर एंड प्रेज्ड एंड पार्टेड ऑल नाइट लॉन्ग एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। तो वो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि लास्ट नाइट क्या हुआ, जब मैं लेटा हुआ था, सोच रहा था, कुछ व्हाट इफ्स जो है वो मेरे माइंड मेरे जो है आए, इसमें आए, माइंड में आए और फिर कानों में जो है बजने लग गए, ठीक है, और एक मेरे माइंड में जो है हलचल सी मच गई उन सब के बारे में सोच सोच करके। क्लियर? और ये जो है बार बार, ये फिर जिनके बारे में मैंने सोचा, वही व्हाट इफ जो है वो बार बार मेरे माइंड में आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कानों में आ करके गाना गा रहे हो। व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल। तो यहाँ पर पॉइंट बात करता है कि क्या होगा, मान लो मैं स्कूल में डम बन जाऊं, बिल्कुल चुपचाप रहूं, कुछ बोलू ही ना। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड अ स्विमिंग पूल, क्या होगा अगर वो जो है स्विमिंग पूल को क्लोज कर दे, स्विमिंग पूल को बंद कर दे। व्हाट इफ आई गेट बीट अप, क्या होगा यदि मैं पिट जाऊं, यदि मुझे कोई पीट दे। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माय कप, क्या होगा मान लो मेरे कप में जो है पॉइजन कोई मिला दे, जहर मिला दे कोई। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, तब क्या होगा जब मैं रोने लग जाऊंगा तो। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, यदि मैं बीमार हो गया, ठीक है, और मर गया तो क्या होगा। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, मान लो यदि मैं टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा।
व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माय चेस्ट। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या होगा यदि मेरी चेस्ट के ऊपर ग्रीन कलर के हेयर्स ग्रो हो जाए तो। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी। ठीक है, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे कि क्या होगा यदि कोई भी मुझे पसंद नहीं करे, कोई भी मुझे लाइक नहीं करेगा तो। ओके, व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। तब क्या होगा यदि कोई बिजली मेरे ऊपर आकर के गिर गई तो। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टोलर। तब क्या होगा यदि मैं लंबा ना हुआ तो, टोल ना हुआ तो। व्हाट इफ माय हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर। तब क्या होगा मान लो मेरा हेड जो है, मेरा सिर जो है स्मॉल 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 होता गया तो। व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट। तब क्या होगा मान लो फिश ने जो है बाइट करना छोड़ दे तो, फिश बाइट ही ना करे। व्हाट इफ द विंड टियर्स अप माय काइट। मान लो जो विंड है, जो हवा है, वो मेरी काइट को, मेरी पतंग को काट दे तो क्या होगा। व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर। तब क्या होगा यदि हर कोई जो है लड़ना शुरू कर दे, वॉर स्टार्ट हो जाए तो। व्हाट इफ माय पेरेंट्स गेट डिवोर्स। तो यहाँ पर कोई सोच रही तब क्या होगा यदि मेरे माता पिता ने डिवोर्स ले लिया तो। व्हाट इफ द बस इज लेट। तब क्या होगा मान लो बस लेट हो गई तो। व्हाट इफ आई टियर माय पैंट्स, सॉरी व्हाट इफ माय टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट। तो पोएट सोच रहे मान लो मेरे जो ये टीथ हैं वो बेचारी स्ट्रेट ग्रो ना हुए तो क्या होगा। व्हाट इफ आई टियर माय पैंट्स। तब क्या होगा यदि मेरी पैंट फट जाए या मैं ही अपनी पैंट को फाड़ दूं तो। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस। तब क्या होगा यदि मैं डांस करना ही ना सीखा तो। Everything seems swell and then the night time what if strikes again। तो अब यहाँ पर पोएट कह रहे कि सारी चीज, ये जो सारे what if है वो मेरे माइंड पर सोच सोच के सारी चीजें जो है भारी हो रही थी। ठीक है, द नाइट टाइम what if strikes again। और ये जो नाइट टाइम में जो है ये what if दोबारा आकर के स्ट्राइक करता है और फिर क्या होता है, ये सब बातें दिमाग में आती हैं, हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। ठीक है, और कई बार तो नींद भी नहीं आती। तो यहाँ पर पोएट ने उन्हीं व्हाट इफ्स के बारे में बात करी है जो हमारे माइंड में आते हैं। शील सिल्वर स्टेन, हु इज द स्पीकर इन द पोयम। शील सिल्वर स्टेन इज द स्पीकर इन द पोयम। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम व्हाट इफ। क्या आप सबके माइंड में भी ऐसे कुछ व्हाट इफ्स आते हैं अभी नाइट टाइम में, या वैसे ही ये हुआ तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये सारे व्हाट इफ्स होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, हमारे माइंड परेशान कर देते हैं हमें और कई बार तो सोने भी नहीं देते। तो पोएट के माइंड में भी ऐसे कुछ व्हाट इफ्स आते हैं जिन्हें उसे आप सबके साथ शेयर किया है। आप सबके माइंड में भी ऐसे कुछ व्हाट इफ्स आए तो शेयर करना। ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पोयम जो है हमारी व्हाट इफ अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।